दैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ऑस्कर नॉमिनेशन 2021 या ऑस्कर के नामांकन शुरू हो गए हैं, समझते हैं इसे। ऑस्कर 2021 अवार्ड्स के नामांकन की घोषणा 15 मार्च 2021 को की गई है। इस बार प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स के नामांकनों की घोषणा की है। बात करें तो इस 93वें अकादमिक पुरस्कार समारोह 25 अप्रैल से कई जगहों पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। बात करें तो ऑस्कर अवार्ड समारोह का आयोजन प्रत्येक साल फरवरी में आयोजित होता है, लेकिन कोरोना के चलते यह देरी हुई है। बात करें तो डेविड फिंचनर के बायोग्राफिकल ड्रामा मेंक को 93वें अकेडमिक अवार्ड्स में लगभग सबसे ज़्यादा 10 नामांकन मिले हैं। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ सिनेमा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामित किया गया है। दूसरे नंबर पर 7 नामांकनों के साथ मिनारी, नोमलैंड और द ट्रायल ऑफ द शिकागो रही हैं। बात करें वहीं जुडाश एंड द ब्लैक मसीहा, साउंड ऑफ मेटल और द फादर ऑफ को 6-6 नामांकन मिले हैं। ऑस्कर अवार्ड दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण अवार्डों में से एक माना जाता है। ऑस्कर अवार्ड के 93 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि दो महिलाओं को बेस्ट डायरेक्टर में नॉमिनेट किया गया है।